गुरु रूप साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वेले असी पहुँच गए हुए हैं आनंदपुर साहब के बिल्कुल नज़दीक गुरद्वारा गुरु का लाहौर विखे। पहला आप जी ने रस्ते दे विच एक होर गुरद्वारा साहब के दर्शन कराए सी जो सोहेला घोड़ा के नाम नाल जाणिया जांदा सी। ते हुण असी सब तो पहला देखते हैं इस गुरु घर का इतिहास ते फिर दर्शन करते हैं इस गुरु घर के गुरु का लाहौर दे। आओ हुण आपां पढ़िए इस गुरद्वारा साहब का इतिहास। गुरद्वारा गुरु का लाहौर, इस अस्थान ते लाहौर निवासी भाई हरजस की पुत्री माता जीत कौर जी का आनंद कारज कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल 23 हाड़ समत 1734 ईस्वी नूं होया सी। इस नगर का नाम सतगुरु जी ने आप गुरु का लाहौर रख्या। इस अस्थान ते सतगुरां दे व्याह दा पुरब हर साल बसंत पंचमी वाले दिन बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जांदा है। गुरद्वारा पौड़ साहिब, इस अस्थान ते कलगीधर पातशाह जी दे घोड़े ने अपना पौड़ धरती ते मारिया ते खारे पानी दा चश्मा फुटिया। इस दा जल खारा है। ये जो सारा इतिहास इस जगह ते लिखिया होया है वो मैं आप जी नूं सरवण कराया। ते आओ हुण चलदे आं इस तों अग्गे। उच्चा पहाड़ी ते बनिया होया है ये गुरद्वारा साहिब ते इत्थों असी उपर नूं यात्रा शुरू करदे आं। आनंदपुर साहब आने वाले बहुत सारे यात्री इस गुरद्वारा साहब पहुँचते हैं ते सतगुरां नूं नतमस्तक हुंदे हन, गुरु घर का इतिहास सरवण करते हैं। गुरुद्वारा गुरु का लाहौर असी दर्शन करने लई पहुंचे हुए हैं जी। ते इस वेले उपर चढ़ के पहला तो हुंदे आ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं नतमस्तक। सतगुरां दे दर्शन करन तों बाद इस इलाके की रमणीकता भी मैं आप जी नूं विखावांगा। इस वेले असी अंदर आ गए हुए हाँ गुरु दरबार हाल दे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं हो रहे हाँ नतमस्तक। गुरुद्वारा गुरु का लाहौर भी ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ।
ये सारे ही गुरद्वारे लगभग श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध अधीन आते हैं। आओ आप हम दर्शन करिए इतों के कुदरती नज़ारिया के। गल करिए कुदरती नज़ारिया की, तो तुसी गुरद्वारा साहब के आस पास के दे दृश्य देख सकते हो। उच्चे उच्चे गगन चुंबी पहाड़, जेकर आप दृश्य विखाइए तो बड़े ही प्यारे दृश्य ने इस इलाके दे। इत्थों चलते हैं पहाड़, लागे इमारतां, उपर तक हर पासे चार चफेरे गुरु घर दे वड्डे वड्डे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और इन्ना प्यारा इन्ना वधिया इलाका जो कि कहन कथन तो बाद है, और इस सारे इलाके नूं देख के कहा जा सकता है गुरु नानक पातशाह जी ने जो शब्द कहे सन, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या, वो सारे दे सारे शब्द इस इलाके ते ढुकदे हन। मैं ते कह सकता हाँ कि परमात्मा इहो जे प्यारे इलाकियां च ही वसदा है। ये जिथे कुदरत दे निग होवे किन्ना सुंदर दृश्य है जो आप जी देख सकते हो कैमरे दी अख राही गुरुद्वारा गुरु का लाहौर तो। चार चफेरे दे दृश्य मैं आप जी नूं दिखा रहा हाँ। इस पासे वल कुछ खेत हैं पहाड़ां दी गोद दे विच जो अगे दिसदे है, चार चफेरे लश ग्रीनरी, हरियावल ही हरियावल। जेकर गुरु साहिबां ने अपने व्याह दे वास्ते इन्नी रमणीक कुदरती नज़ारियां दे नाल भरपूर जगह चुनी, ते अज जो लोग है वो क्यों कुदरती नज़ारियां नूं छड्ड के कुदरती खाणियां नूं छड्ड के तेल लूण वाले खाने डीजे अते होर इस तरह दियां मैरिज पैलसां दे विच फस रहे हैं। क्यों ना असीं वी बिल्कुल सादे सिंपल अते कुदरती जिहड़े इनवायरनमेंट है उसनू अपनाइए ते अपनी जिंदगी नू आपां तंदरुस्त बनाइए। गुरु साहिब दे दूर अंदेश वाले जो संकल्प है उन्हां तों आपां वी प्रेरणा ले सकदे हां। गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी नूं दर्शन करवाए हन श्री आनंदपुर साहिब के नज़दीक गुरद्वारा गुरु का लाहौर दे, और इस तों अगे हुण असीं किसी होर गुरु घर के दर्शनों के वास्ते जावांगे और उस जगह पर जाके देखांगे किसी होर गुरु घर नूं, और इन्हां गुरु घरों तों लवांगे चंगीआं प्रेरणावां। खास करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिस तरह कुदरत नूं अपनाया, कुदरत दे नाल अथाह प्यार कीता, और अज असीं जो कुदरत तों कुदरती भोजना तों दूर जा रहे हाँ उन्हां सारियां चीज़ां नूं छड्ड के गुरु साहिबां वल्लों दर्शाए हुए मार्ग दर्शाए हुए रस्ते ते चलांगे अते ऐसे कुदरती इनवायरनमेंट नूं दोबारा सिरजन की कोशिश करांगे, क्योंकि अज दा इंसान पैसे दी दौड़ विच अन्ना हो गया है। पैसे जे असीं कहीए तां एक सरकारी मोर तों वध के ज़्यादा अहमियत नहीं रखदे, परंतु जो कुदरत है वह ज़्यादा महत्व रखती है। इसलिए आपां इस कुदरत दे माहौल नूं खराब ना करिए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन तो यह प्रेरणावां लैनियां अति जरूरी है, और इस तों अगे लैके चलदा हाँ किसी होर गुरु घर विच उसदे करांगे दर्शन। इत्थे नाल ही इजाजत दो अपने दोस्त
अपने सेवक गुरवेल सिंह नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।